महंगे निजी हॉस्पिटलों को पीछे छोड़ते हुए बुरहानपुर जिला हॉस्पिटल ने शुक्रवार को खास उपलब्धि हासिल की, जहां के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर एक महिला के पेट से 7 किलो वजनी गांठ निकाली है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ही महंगे खर्चे पर इस तरह का इलाज होता था, किंतु शुक्रवार को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जिला अस्पतालों में भी इस प्रक्रिया की सुविधा प्रारंभ की है। बुरहानपुर जिला हॉस्पिटल डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर महिला के पेट से 7.5 किलो की गांठ निकाली। एक गरीब के लिए केवल सरकारी अस्पताल ही था जो महिला की जान बचाने में सहयोगी बना, वरना पैसे के अभाव में महिला दम तोड़ देती। किंतु सरकारी जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर दर्पण टोके, जिन्होंने अपनी टीम के साथ महिला की गांठ निकाली और उसकी जान बचा ली, परिजनों ने डॉक्टर सहित जिला हॉस्पिटल का धन्यवाद अदा किया है। दिनांक 1 तारीख को जिला चिकित्सालय में सईदा भी नामक मरीज था, सर्जिकल पेशेंट था, जो 1.5-2 महीने से बहुत बुरहानपुर में निवासी थी, जो पेट से बहुत दर्द हो रहा था उसको। उसे दिल्ली, बॉम्बे वगैरह हर जगह घूम के आई थी, जिसकी गठान निकालना नामुमकिन था। हर किसी ने कह दिया था कि आप ये नहीं निकाल सकते हैं, इसमें ऐसा है वैसा है, बहुत सारे कारण थे। और उसने बहुत ज्यादा पैसा भी उसमें लगा दिया था, पर इसमें हमारी बुरहानपुर की टीम, जिसमें मुख्य निर्वाह निभाया है डॉक्टर सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर दर्पण टोके सर ने, और उनकी टीम ने कि 7.5 किलो वजन की गठान निकाली गई है। और ये बुरहानपुर जिले वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है, और ऐसे हम आगे भी प्रयत्न करेंगे, बड़े बड़े ऑपरेशन हम जिला चिकित्सालय में करें, जिससे मरीजों को उपचार जल्द से जल्द मिल सके। यहाँ सर, उनके पेट में पल्स था, गठान वगैरह थी, उसका ऑपरेशन हुआ। ये कहाँ पे दिखाया आपने? ये दर्पण टोके, डॉक्टर दर्पण टोके को बताया पहले, तो उन्होंने ऑपरेशन करने का बोले थे। फिर उसका मेडिकल वगैरह सब निकाले, तो जांच में सब ये प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन का बोले उन्होंने। सर कम से कम 7 किलो की। कब से समस्या थी? सर कम से कम 10-15 दिन से थी उनको। फिर यहाँ पर आए थे, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, बेहतरीन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।